नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक और सूची जारी की गई है विभाग के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से ज़िले की ये लिस्ट जारी की गई है और क्या पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। प्रतापगढ़, दोस्तों ये प्रतापगढ़ ज़िले का अपडेट है 4/6/2021, यानी आज ही की अपडेट है। क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं वीडियो में। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि वर्तमान परिस्थिति के परिक्षेप में राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने हेतु कोविड स्वास्थ्य सहायकों के अंतिम तिथि 30/5/2021 तक कुल 648 आवेदन पत्रों की गहन जांच कार्यालय स्तर पर कराई जाकर कंप्यूटराइज सूची तैयार कराई गई है। ठीक है दोस्तों, 648 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक पद पर चयन नियोजन में पारदर्शिता के मद्देनज़र समस्त अभ्यर्थियों के संज्ञान अवलोकन हेतु रिसिप्ट नंबर अनुसार अस्थायी सूची को जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा गया है और इनको निर्देशित किया जाता है कि सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर आपको आपत्ति हो तो 7/6/2021 तक कार्यालय में कमेटी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, 7 तारीख तक आपको अगर कोई आपत्ति है इस सूची के संबंध में तो आप 7 तारीख तक कार्यालय में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपत्तियों के निस्तारण के बाद चयन और नियोजन की कार्यवाही संपादित कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये निर्धारित तिथि के बाद अभ्यर्थियों की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, चयन सूची में सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत और तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाकर चयन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य सहायक के पदों पर चयन और नियोजन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और चयन और नियोजन अस्थायी सूची आप देख सकते हो। इस प्रकार से ये सूची है, प्रतापगढ़ से जिला कलेक्टर से निकाला गया आदेश नंबर है ये दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा। इसमें आप देख सकते हो अभ्यर्थियों का इसमें नाम दिया गया है, आगे अभ्यर्थी के पिता का नाम है, आपकी जो लिंग है वो दी गई है, आपकी जाति दी गई है। ठीक है दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, आपका जो पूर्णांक है 12th का वो दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है और प्रतिशत दिया गया है। इसके अलावा जो GNM का पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत दिया गया है और औसत कितनी हो रही है आपकी, ये दी गई है। ठीक है दोस्तों, विशेष विवरण में आप देख सकते हो ये रहा आपका जो गृह जिले है वो और आपका स्थाई जो पता है वो, मोबाइल नंबर आपकी दी गई। इस प्रकार से ये सूची जारी की गई है, GNM आवेदन सूची। इसी प्रकार से सारी लिस्ट दी गई है दोस्तों, 28 पेजों की ये लिस्ट है, आप देख सकते हो दोस्तों ये 28 पेजों की सूची है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है GNM आवेदन सूची। ठीक है दोस्तों, अलग अलग है, लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, 28 पेजों की लिस्ट है। और मैं कहना चाहूँगा अगर आपने इससे भर्ती में अगर आप अप्लाई किए हो, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो 7 तारीख तक आप ज़रूर इस विभाग में अपनी एप्लीकेशन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित अगर अन्य कोई जानकारी होगी तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।